अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दाउज लाइफ व्लॉग। कैसे हैं आप? अब आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। हम आपको लिए जा रहे हैं मेलसी, एक बहुत ही ज़बरदस्त लेमन ऑर्चर्ड दिखाने के लिए। तो आए, लेट्स गो, चलते हैं। हमारी गाड़ी एम एस साहब ने रेडी कर ली हुई है और चलें फिर चलते हैं। चलें जी, तो हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। ये दिखाएं हम आपको अपना इलाका। ये तो मेरा बाग है। ये मेरा किन्नू का बाग है। ये देखें जी, ये हाई डेंसिटी मैंगो लगा हुआ है, बड़ा ही प्यारा है, खूबसूरत। अल्लाह इनके नसीब करे। बस से हम पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे, हमाद खां खिच्ची के पास। दोस्त हैं हमारे, भाई हैं, उनके पास पहुंचने वाले हैं हम। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, वेरी वेल मेंटेन, नीट एंड टाइडी मैंगो ऑर्चर्ड। ये देखें, नीचे से बिल्कुल साफ किया हुआ है। खजूर के पौधे भी हैं लगे हुए। ये जी हम आ गए हैं हमाद खां खिच्ची के डेरे पे। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत डेरा है। और ये देखें जी, हमाद खां खिच्ची साहब का डेरा। भाई हैं पड़े हमारे, माशाल्लाह बड़ा जो है फ्लीट इकट्ठा किया हुआ है गाड़ियों का। जी तो ये आ गए हमाद खां खिच्ची, ये भाई हैं पड़े हमारे, हमाद भाई जी। और ये अपना कौन सा ऑर्चर्ड हमें घुमा रहे हैं? हम आपको लेमन का ऑर्चर्ड, लेमन ऑर्चर्ड, चाइना लेमन है। चाइना लेमन है जो मेरे पास भी है और इनके पास भी है। तो चलते हैं इनके साथ और लेमन ऑर्चर्ड देखने विजिट कराते हैं, फिर उसके बाद। आ जाए जी, तो आपको लिए चलते हैं हमारे भाई के साथ। लें जी, ये हमाद भाई का माशाल्लाह दे रहे हैं और ये हम जा रहे हैं उनके लेमन ऑर्चर्ड विजिट करने के लिए। हमाद भाई, ये सारी खिच्ची फैमिली है यहाँ पे? जी, यहाँ पे बेसिकली सारी खिच्ची फैमिली है। अच्छा। और हम लोग देखते हैं ना कि वो अपनी जमीनों पे लोगों को आबाद करना। हाँ जी, हाँ जी, अपनी जमीनों पे आबाद करना लोगों। तो यहाँ पे ना सबकी जितने भी है ना उम्र खिच्ची के अंदर, अच्छा, किसी की ना अपनी पर्सनल जमीन नहीं है। अच्छा जी। जो हम लोगों ने ना लोगों को बिठाया, वो कह देते हैं कि हमारी लैंग्वेज में कहते हैं वस्ते। हाँ, वस्ते जी, रियाए फीसबिलिल्लाह दी हुई है, फॉर लाइफ, फॉर लाइफ, फॉर लाइफ। हमारे जो बुजुर्गों ने, हाँ जी, बुजुर्गों ने दी हुई, तो वैसे आ रहे हैं। ये हम सब जिम्मेदारों का ऐसे ही आ रहा है। ऐसे ही है। अब ये है कि किसी के पास पैसा आ गया तो वो अब यहाँ से लाहौर कराची आपकी तरफ भी, लाहौर कराची चले गए और अच्छी कमाने के लिए, फैसिलिटीज के कमाने के लिए, फैसिलिटीज के लिए। और हाँ जी, फिर वो चले जाते हैं, फिर कोई और फैमिली आ जाती है। हाँ जी, ये सर्कल चला ही आ रहा है, ऐसे ही चला ही आ रहा है। अब यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, जैसे जैसे वो प्रॉपर्टीज बच्चों में तकसीम होती है ना। हाँ जी, वैसे ये जो रियाया है ना, ये भी तकसीम होती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके हिस्से में, ये हम बिल्कुल, हमारी तरफ भी ऐसे ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ले जी, तो हम लोग पहुंच गए हैं भाई के लेमन ऑर्चर्ड में। माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेल कैप्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखें जी, हम आ गए अंदर और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त फ्रूट लगा हुआ है लेमन पे। ये देखें, ये मैं क्लोज़अप करके दिखाता हूँ, लेमन लगा हुआ है। और ये एकड़ में 300 प्लांट्स हैं, मेरा जो है वो 320 प्लस है, इनका ये 300 है। और अभी इसकी पैकिंग स्टार्ट है, ये मार्केट हो रहा है क्योंकि समर सीज़न है और लेमन की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, ये नीचे से सफाई हुई हुई है, बड़ा ही प्यारा बाग आपस में मिल चुका हुआ है।
ये देखें ये लेमन की पिकिंग स्टार्ट है, ये मार्केटिंग हो रही है और ये इसको खुद मार्केट कर रहे हैं, ये सारे शॉपर में पैक हो रहे हैं और आज ये मार्केट में जाएंगे हमाद खान के। ये देखें जी सर, बताएं इसको मार्केट खुद कर रहे हैं। इसको जी मार्केट खुद कर रहे हैं ये अभी से, इसको ना अभी से हमने स्टार्ट किया तकरीबन कुछ 2 हफ्ते हुए। अच्छा, तो ये है कि अभी तो डिमांड इसकी इतनी नहीं है। अच्छा, लेकिन जाहिर है कि फ्रूटिंग को देख के, हाँ जी, तो उसको फिर निकालना भी तो है। बिल्कुल निकालने, तो वो फिर बस उस निकालने के चक्कर में जो भी रेट मिल रहा है, तो अभी तो इसको ना, इसकी डिमांड कब ज्यादा होती है? इसकी डिमांड अभी तो देसी चल रहा है ना, तो उसके बाद जो है ना, तो वो फेब और मार्च में जाके इसकी डिमांड स्टार्ट होगी। अच्छा, जैसे आप देखेंगे कि और रमजान में, रमजान में जैसे विंटर आपका एंड होने लगता है ना, अच्छा, तो उसके बाद इसकी डिमांड स्टार्ट हो जाती है। अच्छा ठीक हो गया, माशाल्लाह जी, वेरी वेल कैप्ट ऑर्चर्ड, बड़ा अच्छा वो है। ये सारा जो है ना वो गुलाम शब्बीर को इसका, अच्छा, जाता है गुलाम शब्बीर को क्रेडिट जाता है। गुलाम शब्बीर ये मैनेजर है, ये ठहरे गुलाम शब्बीर जिसने इसको मैनेज किया हुआ ऑर्चर्ड को, ये मैनेजर भी है और सब कुछ है। मैं तो बस आपके वो चक्कर में 2 महीने बाद चक्कर लगा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो हम भाईजान एक वो है पड़ी इंग्लिश की, इंग्लिश में एक कहावत है, इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी फॉर सम टाइम गेट मैरिड, इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी फॉर लाइफ then manage an orchard. ये तो ना मैंने ये दोनों काम किए हुए, आपने दोनों काम किए हुए, हमने भी किए हुए हैं। अच्छा अच्छा, सही सही। अब ये हैप्पी वाला जो सिनेरियो आपने बताया, अब ये है या नहीं है, ये आपको भी ज्यादा बेहतर पता है। जी मुझे पता है, ऑर्चर्ड तो बहुत हैप्पी करता है, बाकी में काफी कॉन्सिक्वेंसेस हैं पड़े, वो एक एक्स्ट्रा डिबेट वाला टॉपिक है, तो उस पे हम फिर कभी करेंगे बात। लें जी, तो हम लोग आ गए वापस भाईजान के डेरे पे, फार्म विजिट हो गए और आगे का प्लान मैं आपको बताता हूँ। हमाद खान ने जी हमें लंच दी है, बहुत प्यारा, तो लंच स्टार्ट करते हैं। मेरी तो उससे बड़ी अच्छी दोस्ती है, अभी हमारा टूर था एक। लें जी, तो हमाद खान ने लंच कराया और बड़ा मज़ा आया और बड़ा बेहतरीन लेमन ऑर्चर्ड था। अब हम वापस जा रहे हैं और ये मीनवाइल आप लोग देखें, ये कॉटन काश्त हुई हुई है इस एरिया में और बड़ी अच्छी कॉटन है, साथ पे मैंगो के बाग नज़र आ रहे हैं, ये कॉटन क्रॉप है पड़ी। यहाँ से तो काफ़ी बस माठी पड़ी है, एवरेज है, लेकिन इनके एरिया में मैंने देखी है कॉटन जो बहुत अच्छी है। ये क्या लगा हुआ है अहमद? ये मकई कॉर्न लगी हुई है, हाँ जी मेज, और ये ही बड़ा जबरदस्त मैंगो का बाग आ रहा है, क्या बात है। ये कौन सा? मीडियम डेंसिटी मैंगो, स्लो करना है आप। ये देखें, ये आगे से नजर आएगा मीडियम डेंसिटी और कहीं कहीं फल भी लगा हुआ है, बड़ा प्यारा लगाया हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनके नसीब करे, बहुत ही खूबसूरत मैंगो का बाग है ये। मीडियम डेंसिटी आजकल बड़े लोग लगा रहे हैं और बड़ा पॉपुलर हो रहा है मीडियम डेंसिटी मैंगो फार्म। ये साथ पे इन्होंने लेमन लगाया हुआ है बाहर, और ये है बड़ा ये खजूर के कुछ छोटे पौधे लगे हुए हैं साथ पे बाउंड्री पे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। चलें जी, तो अब हम लोग घर पहुँच गए थे, अभी ज़रा हमारा प्लान बन गया है कि गाड़ी के टायर्स हमने चेंज कराने हैं और चलते हैं ज़रा मुल्तान और अपनी किया स्पोर्टेज के टायर्स एक्सप्लोर करते हैं, कौन से आए हैं, नए डलवाते हैं, टायर्स जो है ना इसके वीक हो गए, तो चल के ज़रा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं टायर्स की। चलें फिर चलते हैं मुल्तान। ये हमारा इलाका है जी, ये जी हमारी खानेवाल रोड है और बड़ी वीआईपी रोड है ये, आजकल हम यही यूज़ करते हैं मुल्तान जाने के लिए, क्योंकि हमारी जो वो मेन रोड है दरमियान वाली जो जाती है बिहाड़ी चौक से, वो तो उसका तो बहुत ही हाल ख़राब है, ये थोड़ा लंबा पड़ता है हमें, लेकिन फिर है कि बंदा सुकून से यहाँ पहुँच जाता है।
अच्छा, तो मैंने आप सबसे बात करनी थी, वो ये है कि आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप सब लोग अपडेट रहें और मुझे थोड़ा सा मेरे चैनल को, ये जितना ही मेरा चैनल है उतना ही आप सबके है, तो इसको ग्रो करें। थैंक यू सो मच। जी तो हम पहुंच गए हैं अपने भाई के पास अल-मतीन टायर्स पे और टायर हमने ले लिए हुए हैं। और बताएं सर, कौन सा टायर डाल रहे हैं गाड़ी में? ब्रेली का टायर इंस्टॉल कर रहे हैं, इसमें हम 225/55/8/17 दिखाए ना, ये टायर है इसका और ये 4-line थ्रेड है। इसकी तो ग्रिप है, सॉफ्टनेस है और टायर की मैनेजिंग लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग है। टायर की मैनेजिंग लाइफ जो कंपनी देती है हमें वो 80,000 किलोमीटर है और इसका 4-line थ्रेड है। टायर बहुत अच्छा है, कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है बाकी ब्रांड से और बहुत ब्रांड है। जर्मन कार में जर्मन इंस्टॉल करके भेजती है कंपनी, सबसे बड़ी बात है। इसकी वारंटी क्या देंगे हमें? अंडर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पे तारों का जाल छोड़ जाए, टेढ़ा हो जाए, फूल जाए, ब्रस्ट हो जाए, इन चार चीज़ों की वारंटी होगी। ठीक हो गया। और ये इसका ट्रेडमिल है जो कि हर स्पोर्ट्स गाड़ी में बहुत सूटेबल रहता है। चलें देखते हैं क्या रिस्पांस आता है हमारी गाड़ी का। ये थोड़ा सा आप देख लें, ये रिम्स वगैरह पड़े हैं लेकिन ये छोटी कारों के रिम्स हैं पड़े। ये बैलेंसिंग हो रही है, बैलेंस कर रहे हैं टायर, ये वेट लगा रहे हैं टायर पे। आपको मैं वेट मशीन पे दिखाऊं, चलेंगे तो टायर डल गए हैं, इसमें नाइट्रो फिल हो गई है। आपको दिखाते हैं टायर्स की लुक, ये टायर्स डल गए हुए हैं और माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं, नाइट्रो फिल हो गई है इसमें। अब लेते हैं इसकी ड्राइव और देखते हैं कि कितनी कंफर्टेबल हुई है गाड़ी। लेट्स गो। वाह जी वाह, ड्राइव तो माशाल्लाह बड़ी स्मूथ हो गई है गाड़ी की और बड़ा ही कंफर्टेबल और नॉइस फ्री। पिरेली मैं पहले भी डालता रहा हूँ लेकिन पहले तो पिरेली से मैं इतना खुश नहीं था। आई होप इस बार पिरेली जो है ना कोई बेटर परफॉर्म करे। वैसे पिरेली BMW स्टॉक टायर्स जो हैं वो पिरेली के देता है अपनी गाड़ियों में, जो भी BMW की रेंज है वो सारी पिरेली उसको किट करता है। नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा रिस्पांस है और बिल्कुल स्मूथ, साउंडलेस जी, बड़े बड़ा ही कंफर्टेबल फील आ रहा है मुझे इसमें और माशाल्लाह वेरी नाइस। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। दाउज लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।